जौनपुर जलालपुर अस्थायी थाना क्षेत्र के वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार की देर रात्रि से सई नदी पुल के पास प्लाई पत्ते से लदी एक ट्रक सामने से आ रही एक वाहन को बचाने के चक्कर में असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें चालक बाल बाल बच गया। आपको बताते चलें कि प्लाई पत्ते से लदी ट्रक माल लादकर लखनऊ से कोलकाता के लिए जा रही थी। जैसे ही वह जौनपुर जिले के जलालपुर स्थानीय थाना क्षेत्र के इंजरी गांव के पास लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सई नदी पुल के पास पहुंची थी कि ठीक सामने से वाराणसी की तरफ से जौनपुर के लिए जा रही एक बाराती वाहन को बचाने के चक्कर में ट्रक वाहन चालक अपनी गाड़ी को संभाल न पाया, जिससे वह असंतुलित होकर पुल के पास पलट गई। आपको बताते चले कि अगर यह ट्रक पुल से लगभग 70 फीट खाई में गिरती तो ट्रक चालक की जान भी जा सकती थी। ट्रक चालक ने इसकी सूचना स्थानीय थाने पर मौके पर दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं ट्रक चालक नरेश यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी ग्राम जिला चित्र झारखंड। चालक ने घटना की सारी सूचना कंपनी के मालिक और ट्रक मालिक को यह सूचना दे दी। सर क्या नाम आपका है? नरेश यादव। हाँ सर, यह घटना कैसे घट गई? घटना इसी वजह से घटी सर, हम जिस रूट से आ रहे थे, हमारे रूट से मेरे बाएं से छोटी गाड़ी बराती गाड़ी घुस गई जी। उसके वजह उसको बचाने को दैनिक काट दिया, उसको बचाने के चलते में हम भी दैनिक काटें। अब दैनिक काटने के बाद गाड़ी हमारी झोल मारी, झोल मार के सिखाऊ, उसके बाद गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाए, गाड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाए झोल मारने के बाद, उसकी वजह से पलट गई जी। जी, तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम झारखंड के रहने वाले हैं, जिला मेरा घर है जी। इसमें क्या लगा था? ये प्लाई पत्ता लगा है, कलकत्ता जाएगा, प्लाई बोर्ड बनेगा। कहाँ से लगा था ये गाड़ी? ये आ रही लखनऊ से गाड़ी जी। सामने से जो गाड़ी आ रही थी क्या? सामने से नहीं, हम जिस रूट से आ रहे थे उस रूट से वो भी आ रही थी जी। जी, उस रूट से आ रहे थे, आगे रास्ता बंद था, बंद हो जा होने की वजह से वो गाड़ी दहना काट दिया, और दहना हमको भी आना था, उसको बचाने के लिए अगर वो हम दहना नहीं काटते तो उसमें बराती गाड़ी थे, 8-10 आदमी लोग थे, बैठे हुए थे, उनको फिर हमारी गाड़ी मार देती, उन लोगों को मौत हो जाता। इनको बचाने के चलते में हमारी गाड़ी को दहना काटना पड़ा और उसी वजह से हमारी गाड़ी पलटी मार गई।